नगरीय निकाय चुनाव की मतदान प्रक्रिया हुई संपन्न, बड़ी संख्या में मतदाताओं ने पहुंचकर किया मत का प्रयोग। जिला कलेक्टर, एसडीएम और महापौर प्रत्याशी सहित नेताओं ने पहुंचकर किया अपने मत का प्रयोग। पहली बार वोट देने का उत्साह नजर आया युवाओं में, मतदान के बाद की लोगों से अपील। और अब तक नहीं सुलझी मेडिकल कॉलेज की समस्या, सड़क पर खड़े होकर छात्रों ने किया प्रदर्शन, मेडिकल कॉलेज के डीन के खिलाफ लगाए नारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें इन खबरों को विस्तार से। नगरीय निकाय चुनाव के लिए आज छिंदवाड़ा में मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई गई, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों सहित नेताओं ने पहुंचकर अपना मतदान किया। चुनाव की श्रृंखला में मतदान करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने भी अपना फर्ज निभाया। जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार सुमन अपनी पत्नी के साथ मतदान करने पहुंचे। श्रीनाथ स्कूल स्थित मतदान केंद्र में पहुंचे कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने अपने मतदान का प्रयोग किया। उनके साथ ही छिंदवाड़ा एसडीएम अतुल सिंह ने भी मतदान किया। मतदान के प्रति जागरूक करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी से मतदान की अपील भी की। आज नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा और नगर पालिका अमरवाड़ा के लिए मतदान का कार्य प्रारंभ है। मैं समस्त मतदाताओं से अपील करूंगा, बड़ी संख्या में बाहर आकर अपने लिए जो जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं उसका चुनाव करें, एक अकाउंटेबल जनप्रतिनिधि चुनें और आगे आने वाले भी तिथियों में 8 तारीख को और 13 तारीख को मतदान होना है, उसमें भी बड़ी संख्या में। कांग्रेस सहित भाजपा प्रत्याशियों ने भी पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया और अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आए। भाजपा के महापौर पद के प्रत्याशी अनंत कुमार धुर्वे सहित कांग्रेस के महापौर पद के प्रत्याशी विक्रम आहाके ने अपने मत का प्रयोग किया। इसके साथ ही वह अलग अलग मतदान स्थलों पर भी पहुंचे। मतदान के बाद महापौर पद के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के लिए आश्वस्त नजर आए। इधर से 816 महेश, हाँ हो गया, छोटा हल्का सा आता पहले, बाहर आओ बाहर आओ। आज सुबह से घूम रहे हैं आप 7 बजे से, क्या स्थिति देखने को मिली, अब क्या कहना चाहेंगे और आपने मत डाला यहाँ पे, आपका मत केंद्र है? देखिए, मैंने आज अपने मत का उपयोग किया है और उसी तरीके से छिंदवाड़ा की जनता आज अपना भविष्य चुनने जा रही है, छिंदवाड़ा के विकास का भविष्य चुनने जा रही है। और जो शुरुआती रुझान है उसमें साफ स्पष्ट होता है कि छिंदवाड़ा की जनता ने माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी के नेतृत्व में एक बड़ा जनादेश देने को तैयार है और मैं बहुत खुशी से, ऊर्जा से भरपूर हूं और मैं छिंदवाड़ा की जनता की सेवा करने के लिए तैयार हूं। आज वर्तमान परिदृश्य में जो छिंदवाड़ा के हालात हैं वो सबके सामने हैं। जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको देखकर छिंदवाड़ा वोट कर रही है, मूलभूत समस्याओं से आक्रोशित होकर और एक नया सवेरा लाने को छिंदवाड़ा की जनता तैयार है। आप कैसे कर पाएंगे? निश्चित तौर पर जहां माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी का नाम आता है, विकास खुद ब खुद चल के आता है और माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी और छिंदवाड़ा की जनता जन भागीदारी से छिंदवाड़ा का एक नया अध्याय लिखेंगे। आज चुनावी समर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं अनंत ध्रुवे, महापौर प्रत्याशी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूर्व में मैं
नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा में ही असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर कार्यरत रहा हूँ। विभिन्न पदों पर रहते हुए मैंने अंतिम चरण में VRS लेकर एक लोक सेवक के बाद जनसेवक के रूप में काम करने का फैसला लिया। यदि मुझे मेरे शहर की जनता अवसर देती है, अपना आशीर्वाद प्रदान करती है, तो मैं अपने शहर को उच्चतर शिखर पर ले जाने का पूरा प्रयास करूंगा, विकास की धाराओं को नया आयाम दूंगा। नगर की सड़कें, नालियां, जो कि वर्तमान में उतनी सही स्थिति पर नहीं है, मैं नवीन निर्माण करके जनता को नई सौगात दूंगा। हमारे युवा साथियों और बच्चों के लिए खेल के मैदान विकसित करूंगा, ऑडिटोरियम बनवाऊंगा, जनता का स्वास्थ्य बेहतर हो, इस दिशा में भी मैं बेहतर प्रयास करूंगा। मेरी कोशिश होगी कि शासन की अनेक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचे, आम जनता को किसी प्रकार की भी परेशानी ना हो, इस दिशा में नगर पालिका निगम और हमारे वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मैं अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा। मैं आम जनता से पुनः अपील करता हूं कि आप सबों का आशीर्वाद मुझे मिले, ताकि मेरे हाथ मजबूत हो और भारतीय जनता पार्टी की शहर सरकार बन सके। बस यही मेरा सभी से अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। नगर निगम चुनाव में मतदान बड़ी संख्या में हमारे मतदाता भाई मतदान कर रहे हैं। पिछले 17 वर्षों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र में विगत 8 वर्षों से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार काम कर रही है। जो केंद्र और राज्य की योजनाएँ वो योजनाओं से जनता बड़ी प्रभावित है और इसके कारण बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का आकर्षण है, रुझान है और उनका मतदान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। मैं ऐसा मानता हूँ कि भाजपा ने जो नगर निगम में अच्छे काम किए हैं, प्रदेश के और केंद्र में जो अच्छे काम हुए हैं, उसका प्रख्यात जनता भारतीय जनता पार्टी को दे। मैं सभी जनता को निवेदन करना चाहता हूँ कि भाजपा काम करने वाली पार्टी है, दिखावा और झूठे पक्षे बातें करने वाली पार्टी नहीं है। आप भाजपा के पक्ष में मतदान करके नरेंद्र मोदी जी, युवराज सिंह जी को और मजबूत करके लोक कल्याण और जनकल्याण की जो जनता की इच्छाएँ उनको पूरा करेंगे। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, कि मतदान करना हमारा अधिकार भी है और मतदान हमारा कर्तव्य है। मतदान आप जरूर करें, कोई व्यक्ति बिना मतदान के न छूटे। जनता को मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। पहली बार वोट देने आए युवाओं सहित बुजुर्गों में भी मतदान के लिए खासा उत्साह देखने को मिला। 18 साल की उम्र तक पहुंचना, उसके बाद अपना पहला वोट डालना युवाओं के लिए उत्साह का कारण बना। सुबह से ही युवाओं की अच्छी खासी भीड़ मतदान के लिए देखने को मिली। इसके साथ ही उम्र का पड़ाव पार कर चुके बुजुर्गों ने भी मतदान करने में अपनी रुचि दिखाई और अपनी परेशानियों को दरकिनार करते हुए अपने मत का प्रयोग किया। इस बीच युवाओं ने सभी के लिए संदेश भी साझा किया। लग रहा है, मैंने फर्स्ट टाइम मतदान किया है। कैसा प्रत्याशी चाहेंगे आप, कैसा जो हमारे वोट के लिए अच्छा काम कर सके? नहीं बल्कि सारे, मतलब जो मानवता है, सारे जीव जंतु हर किसी के लिए काम करें और मतलब सोसाइटी का अच्छा हो। आपका 4 है, नहीं 3 नंबर है आपका। मैं पहली बार वोट कर रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? वोट कर लिया आपने, मतदान कर लिया, अच्छा लग रहा है? एक अधिक, मतलब जो अधिकार आपको जो मिलना था वो आज मिला है और आज सब प्रयोग किया आपने। कहाँ के रहने वाले हो आप? छिंदवाड़ा में। कहाँ के? चलो ठीक। कैसा प्रत्याशी चाहते हो आप अपने वार्ड में? जो अपने वार्ड के लिए अच्छा काम करे, अच्छा सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे।
नमस्कार, मैं संस्कृति तिवारी 19 ईयर ओल्ड, मैं फर्स्ट टाइम वोट दे रही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि युवाओं में बहुत जुनून होता है, जब फर्स्ट टाइम वोट देता है युवा तो उसको एक अलग ही उत्साह होता है। सब युवा की तरह मुझे भी बहुत उत्साह है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे एक वोट से पूरा देश बदल सकता है, तो इस वोट को हमें सही जगह में देना है, सही जगह हमको चुनना है। ये हमारा फ्यूचर और हमारे नेशन का सवाल होता है, तो हमें इसको सही जगह वोट देना है। उम्र है इनकी, उम्र 87, 88, 89 है और इनका स्वास्थ्य कब से खराब है? इनका स्वास्थ्य कम से कम 15-16 साल से खराब है। एयरफोर्स से ये रिटायरमेंट है, विंग कमांडर है एट प्रेजेंट में, पेंशनर है। इनकी वोट डालने की हार्दिक इच्छा थी तो इसलिए मैंने इनको लेके आया। इनका नाम फ्लाइंग ऑफिसर बीएल साहू। कहाँ के वार्ड नंबर कितने के निवासी हैं? ये वार्ड नंबर 27 राम मंदिर वार्ड। चुनावी प्रक्रिया के बीच वार्ड क्रमांक 12 में शिकायत मिली कि युवक द्वारा फर्जी वोटिंग की जा रही है, जिस पर स्थानीय अधिकारियों द्वारा जांच करने पर वार्ड नंबर 12 के प्रभारी नितिन उपाध्याय ने इसकी शिकायत कुंडीपुरा थाना प्रभारी को की। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए फर्जी रूप से मतदान करते हुए पाए जाने पर युवक को गिरफ्तार किया। फर्जी मतदान का छिंदवाड़ा में यह पहला मामला पाया गया। ये नंबर दिया था, नाम नहीं मालूम किसने दिया। उनका नाम नहीं पता मेरे को, मतलब 200 रुपये वहाँ मिले कि मैं आपकी हाजिरी मिल जाएगी। लंबे समय के बाद आयोजित हुए नगरीय निकाय चुनाव के मतदान में दिन भर अलग अलग रंग देखने को मिले। छिंदवाड़ा नगरीय निकाय निर्वाचन के मतदान के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासनिक अधिकारी अलग अलग टीम बनाकर सभी मतदान केंद्रों में पहुंचकर व्यवस्था देखते रहे। सुबह से ही मतदान करने के लिए आम जनों के बीच भारी उत्साह देखने को मिला। सिटी हलचल की खबरों की श्रृंखला में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लूरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं अलाइनर द्वारा इलाज। शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद सिटी हलचल में आपका एक बार फिर स्वागत है।
पिछले कुछ दिनों से लगातार बनी मेडिकल कॉलेज की समस्या का हल आज भी नहीं निकल पाया, जिससे आक्रोशित छात्र छात्राओं सहित मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने प्रदर्शन किया। गेट पर प्रदर्शन करते हुए उन्होंने मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर रामटेके के खिलाफ नारेबाजी की। उनका आरोप रहा कि इतने बड़े पद पर रहने के बाद भी वह समस्या का हल नहीं निकाल पा रहे हैं, जबकि यह उनके अधिकार क्षेत्र का विषय है। ऐसा बोला जा रहा है कि ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं, घर में लाइट आ रही है, उसने डायरेक्ट कनेक्शन करा लिया ट्रांसफार्मर से, तो डीजे पानी आने लगा, वो भी सब हमी कर रहे हैं, वो कह रहा मेरे को नहीं पता कैसे कर जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं, यहाँ पर कॉलेज के मेन गेट के सामने पानी एक महीने से भरा हुआ है, जिसको निकालने के लिए यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं किया गया, जिसके लिए भी कॉलेज प्रशासन से कई बार कंप्लेंट करी गई, लेकिन कॉलेज प्रशासन के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। और अल्टीमेटली डॉक्टर लोग ने खुद गेटी फावड़ा लेकर इस पानी को निकालने की आज पहल करी है, सारे डॉक्टर मिलकर पानी को निकाल रहे हैं, क्योंकि इस पानी में कई बार लोग गिर चुके हैं, उनके सिर फूट चुके हैं, चोट लग चुकी है, लेकिन डीन साहब और कॉलेज प्रशासन ने इसके ऊपर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। मजबूरी में डॉक्टर खुद साफ कर रहे हैं पानी। ऐसे लाइट की भी व्यवस्था हमारे यहाँ पे बिल्कुल चरमराई हुई है, 5 दिन से कोई लाइट नहीं है, उसके लिए भी डॉक्टर खुद गाड़ी अरेंज करके खुद ट्रांसफार्मर लेके आए, ऐसा अधिकारी लोग बोल रहे हैं। तीसरे चरण के होने वाले पंचायती चुनाव के लिए प्रशासन द्वारा लगातार व्यवस्था बनाई जा रही है। इसी क्रम में आरटीओ निशा चौहान द्वारा ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को मतदान स्थल तक पहुंचाने के लिए वाहनों का अधिग्रहण किया गया। इन वाहनों के माध्यम से सेक्टर अफसरों को उनके मतदान स्थान तक पहुंचाया जाएगा। कलेक्ट्रेट के सामने स्थित ग्राउंड में यहां पूरी कार्यवाही संपन्न हुई। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए गाड़ियों का अधिग्रहण किया गया है, अभी तक 17 गाड़ियों का अधिग्रहण किया गया। भारी बरसात के बीच भी मतदाताओं में उत्साह की कमी नहीं आई और मतदाता अपने मत का प्रयोग करने मतदान केंद्र पहुंचे। सुबह से ही रिमझिम बारिश के बीच मतदान का प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ता रहा। दोपहर में तेज बारिश के बाद भी मतदान में कमी नहीं आई। मतदाताओं ने बारिश के बीच में भी पहुंचकर अपना फर्ज निभाया और नगर की सरकार चुनने में अपना मत दिया। बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
आज मतदान हो रहे हैं। हम अपने ऐसे प्रत्याशी को चुनेंगे जो हमारे लिए कार्य करें, हमारी वार्ड की जनता को अपना लाभ दिलाएं, योजनाओं का लाभ दिलाएं। हमें ऐसे प्रत्याशी को खड़ा करना है जो अपनी सभी सरकार हैं जिनकी उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझे। हम महापौर जी को ऐसे सहयोग करेंगे, वो पूरे शहर की जनता को लेकर उनके प्रति अपनी जो सेवा करें। आज हम लोग वोट डालने आए हैं, अच्छी खासी भीड़ दिख रही है। वैसे आज हम सभी चाहते हैं कि हमारा पार्षद और महापौर बहुत अच्छा हो, तो हम लोग वही चाहते हैं कि सब चीज़ व्यवस्थित हो, सब अच्छे से हो। तो वही है कि अब दिख रहे हैं, अब देखा जाए तो आने वाला महापौर और हमारा प्रत्याशी बहुत अच्छा होगा, अच्छे से सभी काम को करेंगे, लोगों की समस्या को हल करेंगे। हम सभी यही चाहते हैं कि हमारा जो भी पार्षद हो या महापौर हो, वो लोगों की समस्या को सुनेंगे और उनकी समस्या को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। भैया जी, सरकार का 99वां सालाना उर्स आयोजित हुआ, जिसमें हर साल की तरह इस साल भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। छिंदवाड़ा स्थित विख्यात सूफी संत हजरत मखदूम भैया जी अताउल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्से मुबारक बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस वर्ष 99वां सालाना उर्स मनाया गया। उर्स के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी 13 जोड़ों का निकाह संपन्न हुआ। पूर्ण आस्था और शांतिपूर्ण ढंग से उर्स का आयोजन किया गया। इस बीच बड़ी तादाद में दरगाह में सरकार के चाहने वालों का तांता लगा रहा। का इस्तेमाल किया गया, जिसमें 13 जोड़ों का यहाँ दरबार में इस्तेमाल लिखा हुआ। आज 5 है, 5 को महसिल लंगर का वितरण किया गया और सुबह कुल शरीफ। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें, और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालें हेडलाइंस पर। नगरीय निकाय चुनाव की मतदान प्रक्रिया हुई संपन्न, बड़ी संख्या में मतदाताओं ने पहुंचकर किया मत का प्रयोग। जिला कलेक्टर, एसडीएम और महापौर प्रत्याशी सहित नेताओं ने पहुंचकर किया अपने मत का प्रयोग। पहली बार वोट देने का उत्साह नजर आया युवाओं में, मतदान के बाद की लोगों से अपील। और अब तक नहीं सुलझी मेडिकल कॉलेज की समस्या, सड़क पर खड़े होकर छात्रों ने किया प्रदर्शन, मेडिकल कॉलेज के डीन के खिलाफ लगाए नारे।
सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।